आपका खुदा जो है हम पहले हमारा हमारा देव परास्त हो के उसके ऊपर ही वो उसको आना पड़ा ओ शेख सी दंडल इन दैट इट बिकेम द हाउस ऑफ योर गॉड ओनली आफ्टर इट्स डाउनफॉल जब काशी विश्वनाथ ध्वस्त हुआ तब छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा थे और बोला जाता है कि उनकी माँ जीजाबाई को इतना गुस्सा आया इससे और उन्होंने अपने बेटे को बोला था कि अगर आप इफ़ यू आर मैन इनफ आपके जीवन का ध्येय यही होना चाहिए कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर को पुनर्स्थापित कर पाए शंकर आ रहे हैं और चांडाल्स को गुरु मान के क्या वो कितना सुंदर प्रसंग है वो जी जी बात सारनाथ की हो रही है वहां पे बौद्ध सुप्रीमेसी की हो रही है पर नगर में बुद्धिज्म को मानने वाले लोग नहीं नॉट देयर दे, दे आर देयर कल तक अयोध्या की बात थी आज काशी की बात हो रही है मथुरा की बात गाहे बगाया ही जाती है तो अगर इस तरह से रिक्लेवेशन की हिस्ट्री रहेगी जब इस तरह कंटेस्ट करते चले जाएंगे तो ये कहाँ जाके एंड होगा जहाँ तक कंटिन्यूस पूजा होती आ रही है और जहाँ हमारे पूर्वजों ने उस जगह को छोड़ा नहीं काशी में यही है कि तोड़ते गए हम हमारे पूर्वज अगेंस्ट ऑल ऑर्ड्स उस पर मंदिर बनाते ही गए नमस्कार मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है ये लल्लन टॉप का सबसे चमकीला कार्यक्रम है क्योंकि इसमें पूरी सहृदता के साथ पूरी विनयता के साथ ज्ञान के अर्जन की कोशिश होती है इस कार्यक्रम का नाम है किताब वाला अमूमन किताब वाला में आप हमारे नौजवान साथी भरतपुर से आने वाले दीपक जी को देखते हैं जो इस ज़रूरी काम को आगे बढ़ा रहे हैं एक महत्वपूर्ण किताब है जिस पर आज विस्तार से बात करेंगे अंग्रेजी में अभी आई है प्रकाशकों ने और उससे भी ज़्यादा जरूरी जिसका कॉल है ऐसे लेखक ने कहा है कि जल्द ही हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी ये किताब आएगी सूचना क्रमांक एक सूचना क्रमांक दो इसका शीर्षक है वेटिंग फॉर शिवा शिव का इंतजार शिव की प्रतीक्षा अनअर्थिंग द ट्रुथ ऑफ काशीज ज्ञानवापी इसे लिखा है विक्रम संपत ने विक्रम संपत हाल के कुछ वर्षों में चर्चा में आए ऐसे इतिहासकार हैं जिनके आलेख संदर्भों के मामले में समृद्ध तो खूब होते हैं लेकिन उनकी कथोपकथन की शैली ऐसी है कि आपको पढ़ने में रुचि पैदा होती है आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी इतिहासकार या अकादमिक जगत के व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे उद्धरण या बहुत सारे तथ्य दे दिए हैं वो इन प्रसंगों को कहानी में पिरोने की कला जानते हैं इसीलिए इनकी जो सबसे चर्चित किताब है दो खंडों में आई सावरकर की बायोग्राफी हो या फिर गोहर जान पर लिखी गई किताब हो या फिर मैसूर के राजाओं पर लिखी गई किताब हो खूब चर्चित रही हैं और अब ये किताब है जिस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे वेटिंग फॉर शिवा और इस बातचीत में मेरे साथ होंगे मेरे साथी दीपक बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी एक बार फिर से आपका किताब वाला मैं धन्यवाद सौरभ जी मुझे याद है पिछली बार शायद हमने एक चर्चा आयोजित किया था लल्लन टॉप में मेरे और प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी के साथ और वो वीर सावरकर पे था उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे बहुत पसंद आई थी वो चर्चा भी और मेरे ख्याल से जब स्वतंत्र वीर सावरकर पर आपकी किताब का पहला खंड आया था तब मेरी सहयोगी स्वाति ने तब हमारा सेकंड फ्लोर पे एक छोटू सा दफ्तर हुआ करता जी, था जी तो वहाँ पे बातचीत पहले रिकॉर्ड की थी अच्छा अब हम इस किताब पर आते हैं आ, आपने इस किताब के इंट्रोडक्शन में जिक्र किया है कि दक्षिण भारत में एक लिट फेस्ट हो रहा है और आपकी जैन साहब वकील साहब जो लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं उनसे भेंट होती है और किस तरह से वो उत्साहपूर्वक नक्शे दिखाते हैं आपके जहन में इस किताब की भूमिका रूपरेखा कब और कैसे बनी और इसका चैप्टराइजेशन भी बड़ा दिलचस्प हमको लगा क्योंकि आप इसमें ईसा से पूर्व के समय में बुद्ध से भी पूर्व के समय में काशी का बनारस का किस तरह से ज़िक्र आता है काशी शब्द कैसे आया यहाँ से आप बात शुरू करते हैं किस तरीके से जैन समय में या पुष्यमित्र शुंग के समय में इसमें बदलाव आए उस पर बात करते हैं प्रतिहारों के समय क्या स्थिति रही इस पर बात करते हैं जब ग्यारहवीं सदी में बारहवीं सदी में हमले शुरू होते हैं काशी पर इनिशियल प्रतिरोध कैसे होते हैं और प्रतिरोधों की बात करते करते आप इधर काबुल तक भी आ जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि फ्री पैसेज मिला था जैसा कुछ वामपंथी इतिहासकार चाहते हैं आपके शब्दों में कि हम यकीन कर लें और फिर आप विस्तार से बात करते हैं कि हिंदू धर्म में लिंग की पूजा है तो लिंग पुराण और तमाम शास्त्रों में उसका महत्व तो क्या है व्याख्याएं क्या हैं उसकी क्योंकि तमाम वेस्टर्न स्कॉलर्स ने हमको ऐसे वर्शिपर्स के तौर पे रिडिक्यूल करने की कोशिश की है फिर इसमें एक दिलचस्प चैप्टराइजेशन है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन जिसको लेके हमारे भीतर कई लोग कहते हैं लापरवाही थी पर कई लोग कहते हैं कि हमारा जीवन बोध ही ऐसा था श्रुति परंपरा में ज़्यादा था नंदी भाव में ज़्यादा था आ, उस पर बात करेंगे और किस तरीके से उसके पहले नारायण भट्ट और उनके पहले एक लंबी वाचस्पति की और सबकी परंपरा है क्या डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश हुई और वो बाद के विवादों में और समाधानों में भी किस तरह से काम आ रहा है इस पर बात आ, बात इस पर कि राजा टोडरमल के सहयोग से जब उनके बेटे बनारस और जौनपुर के गवर्नर थे किस तरह से जो लोधियों के समय या उसके पहले मंदिर ध्वंस किया गया वह पुनर्निर्माण हुआ औरंगज़ेब ने किस तरीके से मंदिर को गिराने का आदेश दिया और सिर्फ यहाँ पे नहीं कई जगहों पे मंदिरों को भी और पाठशालाओं को भी ध्वस्त करने का आदेश वो पूरा खुतबा पूरा ऑर्डर किया था देवी अहिल्या और उसके पहले इसको बनाने के प्रयास किया हुए लाट भैरव का दंगा मेरे ख्याल से 1809-10 में हुआ था में, हाँ हा, तीन दिन तक वो दंगा चला जिसमें पहले वो भैरव की लाट जलाई गई उसके पहले हमला हुआ गोकशी हुई फिर ज्ञान मस्जिद को आग लगाई गई वहाँ सुअर काटा गया दोनों तरफ से जान माल का बड़ा नुकसान ब्रिटिशर्स का इंटरवेंशन और फ़ौज बुलानी पड़ी जैसे आज की तारीख में होता है कि जब स्टेट की मशीनरी फेल होती है और फिर एक लिटिगेशन का लंबा दौर शुरू होता है कि वो मुकद वो पीपल का पेड़ किसका है शौचालय कौन बनवा सकता है आ, किराया कौन वसूल कर सकता है ज़मीन वक्त की है कि निजी है और उसके बाद फिर अभी के पूरे मुकदमे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए आपने शब्द इस्तेमाल किया है ड्रैकोन लॉ और आज की तारीख में सारा कंटेंशन वो उन्नीस और उसकी लोकसभा में हुई बहसों का आपने हवाला दिया है मणिशंकर अय्यर वर्सेस उमा भारती और अभी के जो पूरे लिटिगेशन चल रहे हैं आप श्रृंगार गौरी वाला चाहे प्रकरण हो चाहे अंदर ए एस आई के सर्वे का हो इन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे आप जब चैप्टराइजेशन कर रहे थे तो क्या रूपरेखा थी बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसमें बहुत सारे तथ्य जोड़ने थे मुझे जब विष्णु जी से पहले बात हुई तो वो विष्णु शंकर जैन हाँ। जो आपने बताया कि एक लिटरेचर फेस्टिवल में मुलाकात हुई हमारी और तब मैं हैदर अली और टीपू सुल्तान पे एक सुविस्तृत एक किताब लिखने में ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ दैट मैं था तो और ये इसी साल में वो आने वाला था टीपू सुल्तान पे किताब पर अचानक महादेव आके बीच में ही इंक्रूडेड द स्पेस तो विष्णु जी ने बोला कि इतना सारा मटेरियल है एटलीस्ट द लीगल हिस्ट्री पर लोगों के जनमानस में इसके बारे में कोई व्यापक तरीके से जानकारी नहीं है हम अखबारों में या न्यूज़पेपर्स में या टेलीविज़न चैनल्स पे रोज़ सुनते ही रहते हैं कि ज्ञानवापी में रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है केस में पर इस केस का इतिहास क्या है हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और कब से लड़ रहे थे ये सारी चीज़ें शायद लोगों को उतना ज़्यादा मालूम नहीं है और काशी का ही महत्व क्या है विश्वनाथ मंदिर का महत्व क्या है इसको रिक्लेम करने की ज़रूरत क्या है ये सारी चीज़ें भी शायद पता नहीं था तो उन्होंने उसका एक हम डिस्कस कर रहे थे कि शायद आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं कुछ वेबसाइट्स पे वग़ैरह तो ऐसा शुरू हुआ पूरा किस्सा पर जैसे मैं इस विषय के अंदर घुसता गया मैं मैंने सोचा कि इसमें तो इतना ज़्यादा मटेरियल है इस पर किताब तो बनती ही है परंतु तो मेरे यूजुअल स्टैंडर्ड से जो मोटे मोटे किताब होते हैं उसके कंपैरिजन में छोटा सा एक हाँ दो पन्नों की किताब है अपनडिक्स और बाकी चीज़ों को हटा दें तो हाँ, हाँ तो मोर रीडेबल नहीं तो यूजुअली लोग यही बोलते रहते हैं कि मेरे डम्बे जैसे होते हैं कि किताब आई स्टैंड करेक्टेड जी तो तो, तो बट देन द दे, रेंज वाज वेरी वाइड मैं चाहता था कि सिर्फ ये लीगल हिस्ट्री तक सीमित न रख रख के बनारस का एंशेंट हिस्ट्री जो है और फिर वो जो पूरा फ्लो ऑफ इवेंट्स और विश्वनाथ मंदिर का भी जो महत्व है और कब कब इसका इसको ध्वस्त किया गया आतताइयों ने और उस हर बार उसको उसका नाश करते गए पर काशी के हिंदुओं ने और भारत के हिंदुओं ने अब उसके प्रति अपनी आस्था कभी नहीं छोड़ी और ये नॉर्थ साउथ का विषय नहीं था किताब में वो भी उल्लेखित होके आता है कि दक्षिण भारत का कोई राजा हो या वो एक गांव दे रहा है ताकि पिलग्रिमेज टैक्स ना हो हाँ पेशवा आ रहे हैं मराठा आ रहे हैं गुजरात का एक व्यापारी एक लाख रुपए दे के उस जमाने में तेरहवीं शताब्दी में इस मंदिर को पुनर्स्थापित करने के लिए पैसे दे रहे हैं बंगाल का राजा आके वहाँ एक स्तंभ हाँ सेना राजा विश्व रूपा वहाँ के एक स्तंभ स्थापित कर रहे हैं कि ये विश्वनाथ की नगरी है तो और मराठा तो थे ही और हाँ पूरा परिवार पूरा पर, कई महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार वहाँ गए शेषा भट्टा मौनी धर्माधिकारी और ऐसे समय में जब काशी में पूरा इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम काशी में और संस्कृत स्कॉलर स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन था वहाँ पे सारे संस्कृत स्कॉलर्स दक्षिण भारत की ओर आ चुके थे ऐसे समय में ट्वेल्थ और फिफ्टीन सेंचुरी और तभी ये लोग वहाँ जाके बसे और एक रिनाइजों वहाँ शुरू किया कि काशी के प्रति पूरे देश में एक तरह का पुनर्जागरण किस तरह से लाया जाए और काशी खंड भी इसी वक्त पे एक परिशिष्ट के रूप से पुराण में और स्कंद पुराण पुराण में पुराण में, में काशी रहस्य काशी रहस्य और, रहस और उस 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 काशी, काशी खंड, खंड. जी। और इस चीज को जैसा हम बोल रहे थे अलग अलग भारतीय भाषाओं में अनुवादित भी किया गया तेलुगु में श्री नाथा नाम के कवि ने चौदह सो चालीस विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्रा हाँ उसी समय और तेनाली रामकृष्णा के जो दामाद थे उन्होंने भी वायु पुराण के एक परिशिष्ट आनंद कानन महात्म्यम इसको अनुवादित किया तो इसी तरह पूरे देश में काशी के महत्व के बारे में एक पुनर्जागरण इन्होंने इसी दौरान जब ये आ, मंदिर ध्वस्त हो रहे थे उसी वक्त बौद्धिक तरीके से पुनर्जागरण की जो प्रक्रिया थी वो ताकि स्मृति में और अभ्यास में रहे सबसे पहले काशी शब्द की उत्पत्ति पे बताएं आपने क्योंकि पहले चैप्टर में सिटी ऑफ लाइट में उसी से जी, शुरुआत जी, की है। उसके अलग अलग सोर्सेज हैं कुछ तो कहते हैं कि काशी फ्रॉम द वर्ड द, एफल्जेंट जो लूमिनस है जो ज्वलंत है Uh, which provides light that uh, which shines शाइन्स द शाइनिंग सिटी इसी लिए सिटी ऑफ लाइट भी उसको कहते हैं वहाँ काशी uh, काशी का नाम का एक घास भी उगता है जिसके नाम से वो uh, शहर का नाम आया कुछ लोग बोलते हैं वहाँ के एक राजा जो पौराणिक काल में थे उनके नाम से आया mm -hmm. तो एक ही शहर उसके अलग अलग नाम वाराणसी भी उसका एक नाम है जो वारणा और अस्सी नदी के बीच आने वाला जो शहर वाराणसी हाँ अस्सी तो शुष्क नदी के नाम से तब भी, तब भी भी थी पुराण काल में भी शुष्क थी अभी भी शुष्क है पर वाराणसी वो और बनारस उसका अपभ्रंश है वा, वाराणसी का और पुराणों में उसके अलग अलग और नाम भी हैं अभिमुक्त क्षेत्र क्योंकि स्कंद पुराण में भगवान शिव खुद पार्वती देवी से कहते हैं कि ये शहर इतना रमणीय है मेरे लिए कि मैं इसको छोड़ के कभी जाऊँगा ही नहीं तो मैं द वन दैट इज़ नेवर अबैंड तो वो अविमुक्त है और यहाँ मुक्ति मिलती है तो वो हर एक, एक आदमी को ये आश्वासन देते हैं कि जो भी यहाँ अपना देह त्यागेगा जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर आएगी वो खुद उसके कान में जाके तारक राम मंत्र बोल देंगे और उससे उस आत्मा के लिए मुक्ति प्राप्त अभिमुक्त पे हम लौटेंगे क्योंकि विश्वेश्वर और अभिमुक्त दोनों अलग अलग हैं या एक हैं हाँ। इसको लेके बड़ी दिलचस्प तो, बात है तो अभिमुक्त एक नाम है दूसरा है आनंद कानन जो मैंने बोला कि वहाँ एक फॉरेस्ट ऑफ ब्लिस एक ऐसा वन जिसमें बस आनंद ही आनंद था सब पशु पक्षी वहाँ द्वेष नहीं था सब एक साथ रहते थे ऐसा पुराणों में इसका वर्णन था तो आनंद वन और आनंद कानन के नाम से था रुद्रवास ये भी एक अन्य नाम था इसके लिए क्योंकि वहाँ एक बनारस में तो अभी भी ये कहावत है कि कंकड़ कंकड़ में शंकर तो हर कंकड़ में एक शंकर की का प्रतिरूप लोग मानते हैं तो रुद्र हर जगह रहते हैं तो रुद्रवास है और शायद ये एक ही ऐसा शहर है सौरभ जी जहाँ मृत्यु को कुछ अशुद्ध तौर से नहीं देखा जाता उसका सेलिब्रेशन होता है तो ये महा है मणिकर्णिका घाट में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके अब आप सीढ़ियों पे बाएं हाथ पे चटाई जलती दिखती है जल, जल, जलती रहती हैं तो उसको एक जीवन का एक अविभाज्य अंग माना जाता है कि ये एक समथिंग इम्प्योर और समथिंग बैड ऐसा सोचा ही नहीं जाता तो एक बंगला आरती भी होती है तो उसमें भी वो भस्म जो शमशान की ही भस्म लगती है या जैसे महाकाल में वहाँ पे भी आरती में वही है तो एक शहर और इसके इतने सारे नाम और सबसे प्रमुख जो कारण है कि पूरे भारतवर्ष में इसका इस काशी के प्रति जो श्रद्धा थी वो इसीलिए था कि ये मोक्ष नगरी थी कि यहाँ मरने पे मुक्ति अश्योर्ड है गारंटी है ज्ञान नगरी भी थी कला नगरी भी थी हैं शंकर आ रहे हैं और चांडाल्स को गुरु मान के क्या वो कितना सुंदर प्रसंग है वो अद्वैतवाद का सबसे अद्भुत उदाहरण मैं चाहता हूं आप दर्शकों को बताएं वेन सांग ने जो बड़ा दिलचस्प को का वर्णन है बात सारनाथ की हो रही है वहां पे बौद्ध सुप्रीमेसी की हो रही है। पर नगर में बुद्धिज्म को मानने वाले लोग नहीं है बट दे आर देयर जी बिल्कुल तो हमेशा हमें वामपंथी इतिहासकार यही बोलते रहते हैं कि हिंदू और बौद्ध मतों के बीच तनाव रहा हमेशा संघर्ष हुआ ये बताते हैं पर यहाँ पे आ, आ, काशी में हिंदू धर्म के अलग अलग पंथ जो हैं वो तो थे ही वैश ये पहले विष्णु की नगरी मानी जाती थी और फिर विष्णु ने इसको शिव के सुपुर्द कर दिया था और पर यहाँ भी अभी विष्णु की पहले पूजा होना अनिवार्य माना जाता है शिव का भी है शाक्त संप्रदाय का भी है अलग अलग पंथों का हिंदू जनमानस में वो भी है पर उसके साथ साथ जैन तीर्थंकरों का भी यहाँ आना हुआ और बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो शर्मन था वो यहीं दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन हाँ बिल्कुल वो वारणा सारनाथ में तो ह्यूनसांग जब सातवीं शताब्दी में आते हैं तो उनके उनका वर्णन जो मैंने उद्धृत किया है इसमें उसमें बहुत ही एक आ, क्लियर एक पिक्चर आ जाता है कि जैसा आपने कहा को एग्जिस्टेंस भव्य स्तूपास थे उसमें आ, सोने के बड़े बड़े मूर्ति भी थे आ, गौतम बुद्ध के जिनकी पूजा होती थी पर शहर के अंदर महादेव ही राज करते थे और वहाँ उन्होंने एक बहुत विशाल मंदिर का भी वर्णन किया जहाँ एक ऐसी मूर्ति थी जिसको देख के लगा कि ऑलमोस्ट जीवंत मूर्ति सौ फीट सौ फीट वाली बड़ी वो पता नहीं वो शिवलिंग था या शिवजी की मानव आकृति में एक मूर्ति थी तो वो पता नहीं चलता क्योंकि सौ फीट का लिंग और वो बोलते हैं जीवंत स्वरूप जैसा वो, तो वो सातवीं सदी में इस तरह की मूर्ति की कल्पना ही करना बिल्कुल पर ये देखिए कि ये को की जो आपने बात की वो लगातार चलता गया क्योंकि 11वें शताब्दी में जब गोविंद चंद्रा जो गढ़वाल राजा थे और जिन्होंने काशी को अपना राजधानी बना दिया था वर्षों बाद ग्लोरी लौटी थी सदियों हा, बाद हाँ बिल्कुल वो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे और बिंदु माधव और सारे वैष्णव मंदिरों को वो पेट्रोनाइज करते थे पर साथ ही शैव सिद्धांत के सारे विश्वेश्वर हो अभिमुक्तेश्वर इन सब को भी वो बहुत सारे ग्रांट्स देते थे पर उनके दोनों बीवियाँ जो थीं वो बौद्ध मत को मानती थी तो राजा जो खुद वैष्णव संप्रदाय को मानने वाला था वो शैव मंदिरों को पेट्रोनाइज़ करता था और उसकी खुद के घर में दोनों रानियाँ बौद्ध मत को मानती थी वाह <laughs> और ये ग्यारहवीं शताब्दी तक की बात है <laughs> तो राजा लगे हाँ तो वो प्रसंग भी बता दीजिए हम कहा ना कि बनारस की ग्लोरी सदियों बाद लौटी हाँ। तो वो जो एक प्रसंग महाभारत में आता है जिसमें कृष्ण हमला कर रहे हैं बनारस के राजा पे वो क्या प्रसंग है तो बनारस का राजा काशी पुराना काशी, में तो काशी नाम था उसका तो काशी का जो राजा था वो पौंड्रक नाम का जो इम्पोस्टर था जो वासुदेव कृष्ण के तौर पे खुद को मानता था तो उस पे जब भगवान कृष्ण ने आक्रमण किया तब काशी के नरेश ने उसका साथ दिया पौंड्रक का तो उसका वध करते वक्त काशी के राजा पे भी भगवान कृष्ण ने आक्रमण किया और बोला जाता है कि महाभारत के युद्ध के कुछ समय बाद पूरे काशी नगर को कृष्ण ने ध्वस्त कर दिया था तो उसका उल्लेख महाभारत में भी आता है तो उसके बाद से अः काल क्रमेण वो काशी का जो महत्व है वो घटता ही गया कौशल और मगध की महिमा रही मगध वो षोडश महाजनपद के काल में कौशल और मगध और उसमें बहुत सारी रोचक कहानियाँ आती हैं कि कैसे एक राजा अपने बेटी को दहेज में काशी का नगर दे, दे देता है और यहाँ से जो जो रेवेन्यू आता है वो अपने स्नान और अपने परफ्यूम्स उसके रानी के स्नान के उबटन के अतर के वस्त्रों के खर्चे के लिए जाएगा पूरा ये रेवेन्यू बिल्कुल बिल्कुल और फिर जब बिंबिसार उसका उसका उसकी हत्या हो जाती है और फिर शत्रु और और फिर काशी का राजा फिर से वह वापस अपना ले लेता है फिर से इसको रिझाने के लिए अपनी बेटी देता है तो फिर काशी को दहेज के रूप में दो दफा दे दी तो ये मगध कौशल उसमें काशी का महत्व जो है वो गौण होता गया पर गहदवाल के समय में जब ग्यारहवीं शताब्दी में तब उन्होंने कन्नौज कान्यकुब्ज से काशी को अपना राजधानी बनाया था और तब इसका जो पुनरुत्थान हुआ एक राजनैतिक तौर तो, पे जो पुराणों के वक्त से गुप्त काल मौर्य काल, गुप्त काल में उसका जो महत्व क्षीण होता गया वो फिर से उसका आविर्भाव ग्यारहवीं शताब्दी के बाद ही हो पाया और फिर दस में महमूद गजनवी का कोषाध्यक्ष ट्रेजरार पहला हमला करता है काशी पर है जी क्या कहानी थी तो बार दो बार ये लोग कोशिश करते हैं कि काशी पे भी हमला हो नियालतगिन का एक था और फिर Uh, कुछ uh, साल बाद सैयद uh, मलिक अफजल म, मलिक अलावी। अफजल uh, अलावी नहीं एक और था ना जो uh, इससे पराजित होता है सुहेल देव से वो बाद में हाँ उससे पहले उसके साथ ही आते हैं दोनों अच्छा। मलिक अलावी और uh, सलार मसूद सलार मसूद और जिसको बाद में गाजी मियां करार दिया गया और मजार बना दी गई जी उसका सेनापति uh, अलावी होता है जो वाराणसी की ओर आता है और उसको भी परास्त करके आज भी उसके नाम से अलावीपुरा वहाँ पे है बनारस में एक जो बचे बख्श दिए गए उनका मोहल्ला बसा दिया गया और वही है हिंदू राजा जो थे उनको परास्त करने के बाद भी जो मुसलमान सेना के लोग थे उनको वहाँ संरक्षित करके उनके लिए एक बस्ती बसाई गई वहाँ पे हालांकि उल्टा अगर होता तो वो बात ऐसा हो ही नहीं पाता उनको या तो धर्मांतरित कर दिया जाता या फिर उनको मार दिया जाता तो ये दो अटैक्स जो थे वाराणसी ने किसी तरह अपने आप को बचा लिया पर जो तीसरा अटैक था वो सबसे फेटल था जो ग्यारह में हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों और तब हसन निज़ाम जयचंद वर्सेज जयचंद जै, जो गोविंद चंद्रा के सक्सेसर थे तो उसमें 1194 में जो अटैक हुआ उसमें हसन निज़ामी नाम के जो कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकलर हैं वो विस्तृत तौर से और कुछ और भी कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैं जो बताते हैं कि किस तरह आ, एक हज़ार से ज़्यादा मंदिर ध्वस्त किए गए ध्वस्त किए गए और जो धन वहाँ प्राप्त हुआ वो 18 ऊंटों पे और 300 हाथियों पे लाद के आ, सारा धन ले जाया गया तो ये 1194 में हुआ और उसके बाद एक के बाद एक और जैसे ही गाहदवाल राज परिवार का पतन हुआ तब पूरा जो उत्तर भारत का क्षेत्र था जो इंडो गैंजटिक बेल्ट या दोब रीजन था तो वो दिल्ली सल्तनत के आ, सुपुर्द आ गया तो उस के आने के वजह से एक के बाद एक हमले होते गए खासकर काशी पे पर गौरतलब बात यह है कि एक बार अगर वो ध्वस्त हुआ मंदिर तो कुछ ही दशकों में उसके समीप एक और मंदिर का पुनरुत्थान हो जाता पहले 1194 में मैंने बात की ऐबक का पर 1212 में कितने 10-15 साल के अंदर सुदूर बंगाल के सेना राजा विश्वरूप ने आके वहाँ बीचों बीच शहर के बीचों बीच क्योंकि वो मंदिर पूरा नहीं बना सकता था दिल्ली सल्तनत का दबदबा था वहाँ तो उसने एक बड़ा सा एक स्तंभ वहाँ पे आ, स्थापित कर दिया और उसमें लिखा था कि ये पूरी नगरी जो है विश्वनाथ की नगरी है तो ये अजर्ट करना था कि ये हमारा है हम मंदिर बाद में बनाएंगे तो कुछ ही दशक दो बीस तीस दशकों में एक भव्य मंदिर वहाँ फिर से आ, स्थापित हो ही गया था जो गुजरात के जो व्यापारी मैंने बोला सेठ वस्तुपाल उसने उस ज़माने में एक लाख रुपए देके उस मंदिर का निर्माण करवाया और उसी वक्त 1250-1260 के के दशक में कर्नाटका के जो वीर नरसिम्हा तृतीय वीर नरसिम्हा होयसाला राजा वो एक पूरी एक पूरा एक गांव लोगों को अब, दान दे देते हैं कि इस गांव से जो जो पैसा आएगा वो आ, उन सारे तीर्थ यात्रियों के लिए जाएगा जो काशी जाने के लिए जिनको जिजिया टैक्स देना पड़ता है आ, दिल्ली सल्तनत को और उसमें एक शिलालेख भी मिलता है कि जहाँ नरसिम्हा वीर नरसिम्हा कहते हैं कि यहाँ से जो जो धन आएगा ये पूरा विश्वेश्वर के चरणों में मेरे तरफ से अर्पित है तो देखिए आप तीस चालीस साल आ, के अंदर एक हज़ार मंदिर तुड़वाने के बावजूद हिंदू पुनरुत्थान उतने में हो गया था और उसमें पूरा पूरे भारतवर्ष ने इसमें भाग लिया था किसी ने ये नहीं बोला कि ये तो अवध का है काशी का है उत्तर प्रदेश का है हम दक्षिण भारत में बैठ के हमको क्या फ़र्क पड़ता है कि काशी का पुनरुत्थान हो या नहीं हो तो एक उस तीर्थ से सबका सबका वो लगाव था क्योंकि वही कि जहाँ आपको ये गारंटी जैसे आज मोदी की गारंटी की तरह वहाँ शिवजी की गारंटी थी कि आप वहाँ मरेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी तो उसके लिए वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नगरी थी हिंदुओं के लिए तो इसीलिए सब लोग वहाँ जाने के लिए तत्पर थे लोग हमेशा ये कहते थे कि वहाँ या तो अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाओ तो वो पुण्य आपको मिलेगा हम वहाँ मरेंगे तो मुक्ति तो मिलेगी ही और पुराणों में यहाँ तक कहा गया कि अगर काशी आप जाएंगे तो किसी को बोलो कि आपके पैर काट दो ताकि आप वहाँ से भाग ना पाए आप गए हो और आपका बुद्धि भ्रमण हो के वहाँ से आप पलायन कर दें तो आप इतना बड़ा एक बेनिफिट जो है वो गवा देंगे तो इसीलिए किसी तरह वहीं आप रुक जाएं और वहीं आपका देह ये मान्यता है मैं चाहता हूँ अब आप दर्शकों को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं सिकंदर लोधी के दौर में फिर से ध्वस्त किया गया मंदिर को फिर आते हैं पिक्चर में नारायण भट्ट सोलहवीं सदी के मध्य में अकबर का समय है राजनीतिक स्थिरता है टोडर मल का प्रभाव बढ़ चुका है और तब ये मंदिर नए सिरे से, से और अभी हमें ज्ञानवापी मस्जिद में जो वेस्टर्न वॉल दिखती है जो माना जा रहा है कि ये नारायण भट्ट ने जो भव्य मंदिर बनाया था उसकी दीवार है नारायण भट्ट के किरदार के बारे में बताइए जी तो जैसा मैंने बोला कि पुनरुत्थान पूरे देश से हो रहा था उसमें बहुत बड़ा भाग लिया महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवारों ने एक ऐसे समय में जब काशी बहुत ही विपदा से गुजर रही थी और वहाँ जो संस्कृत और वैदिक स्कॉलरशिप का जो केंद्र था वहाँ से सारे लोग पलायन करके दक्षिण भारत की ओर आ गए थे महाराष्ट्र के ये चार जो परिवार थे भट्ट माउनी शेषा और धर्माधिकारी वो जाके वहाँ बसे और वहाँ पुनरुत्थान जो था संस्कृत स्कॉलरशिप का हो या वेदों के बारे में उसको वहाँ किया और उसी श्रृंखला में नारायण भट्ट आते हैं तो नारायण भट्ट उस समय जगत गुरु के नाम से जाने जाते थे उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे लॉन्ग फॉर्मैट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत जिसमें एक था त्रिस्थली सेतु तो उसमें काशी पे बहुत ध्यान आकर्षित किया गया लोगों का कि ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट ऑफ द बुक वो काशी पे ही प्रयाग काशी और गया तीन पे बात करते हैं पर सबसे ज्यादा काशी पे ही जोर है तो उन्होंने उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था तो इसीलिए उन्होंने तोडरमल जो उनके शिष्य थे उनको उस पर भी बहुत सारी कहानियां हैं जो किताब में हैं कैसे बारिश्करवादी बारिश्करवादी आशीर्वाद दिया से। और उसकी वजह से अकबर ने परमिशन दे दिया कि वहाँ एक मंदिर बनाओ और तोडरमल के सहायता से उनके बेटे के सहायता से वहाँ एक भव्य अष्टमंडप मंदिर बनाया गया जो बीच में विश्वेश्वर का गर्भगृह था और चारों तरफ चार मंडप और जो अभी आपने जैसे बोला वेस्टर्न वॉल्स तो वो उसी इराका है 1580 1580 पंद्रह सौ के ज़माने का तो वो मंदिर जो था शायद 80 नब्बे साल तक ही चला पर उस दौरान बहुत सारे लोग ट्रैवलर्स आए उन्होंने उसका जिक्र किया बखान किया ब्रिटिश एक ट्रैवलर पीटर मंडी जो आए थे और उन्होंने स्केचेस भी किए कि कैसे महिलाएं आके रोज़ दूध और हाँ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्केच जो आपने किताब में भी दिखाया है जी, जी। कि वो अर्पण कर अर्पण कर रही हैं और फिर एक निकोलो मनुची जो वनीशियन ट्रैवलर थे वो भी आके उसका जिक्र करते हैं कि विशेषर का मंदिर था वहाँ पे और सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आ, हम गए थे सिक्सटीन सिक्सटी सिक्सटी उस दौरान और हमारे जाने के कुछ ही वर्षों बाद औरंगजेब ने इसको तोड़ दिया ये कंटेम्प्रेरी ट्रैवलर अकाउंट्स में भी है कि औरंगजेब ने उस विश्वेश्वर मंदिर को और तब शब्द विश्वेश्वर विश्वेश्वर वो अप्रंश हाँ। करके विशेश्वर भिश... वो विश्वेश्वर था उसको विशेष्वर बिल्कुल विश्वनाथ बाद में हुआ फिर बिल्कुल हाँ वो विश्वनाथ ही था वो अवधि भाषा में बोलते वक्त विशेषर और विश्वनाथ ऐसे वो बताते थे और ज जॉन बैप्टिस्ट तवर्नियर एक फ्रेंच, 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 फ्रेंच ट्रेवलर उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि कैसा एक भव्य मंदिर था काशी में विश्वनाथ का तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म और प्लेट... किस तरीके से बना हुआ है और वहाँ से सीधा घाट दिखते हैं मंदिर से और गंगा का दर्शन होता है ये सारा जिक्र इन सारे ट्रेवलर्स अकाउंट्स में थे तो ये 80-90 साल तक ही चला जो नारायण भट्ट ये भव्य मंदिर था जिसका एक्चुअली 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर इंडोलॉजिस्ट ने लिथोग्राफिक एविडेंस से एक्चुअली मैप्स बनाए जो अभी भी न्यूज़ चैनल्स में दिखाए जाते हैं जो वो जेम्स प्रिंसेप के बने हुए हैं जे, वो जेम्स प्रिंसेप बड़ा बहुत कमाल के थे ये व्यक्ति और इन्हीं की वजह से हम ब्राह्मी और खरोश्की लिपियाँ पढ़ पाए और जिसकी वजह से हमें एंशियंट इंडिया के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली बिल्कुल बिल्कुल तो उन्होंने इसका पूरा मैप बनाया कि कैसे ये अष्टमंडप कहाँ कहाँ थे और कैसे बीच में अब जहाँ वज़ू खाना है उसी एरिया में गर्भगृह था विश्वनाथ का और नेक्स्ट वेव ऑफ़ डिस्ट्रक्शन तो था ही 1669 में औरंगज़ेब के हाथों बताइए साहब <laughs> तो वो फरमान तो हैं जो मासिर आलमगिरी जो औरंगज़ेब के वक्त में उसको लिखा गया आ, मैं बीच में टोक रहा हूँ औरंगज़ेब की बात होती है लेकिन शाहजहां के समय भी खूब ध्वस्त हुए थे उन्होंने कोशिश किए उन्होंने काफ़ी सारे फरमान भेजे थे कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा जाए अकबर को छोड़ के शायद ऐसा कोई भी और मुग़ल बादशाह नहीं था जिसने अकबर भी उसके पूर्ववर्ती काल और उत्तरवर्ती काल हाँ। उत्तरार्ध में वो थोड़ा सहिष्णु बन गए थे पर उनके उत्तरार्ध में जो चित्तौड़गढ़ में उन्होंने किया और राजस्थान अन्य जगहों पे वो सब तो इतिहास के फैक्ट्स हैं पर शाहजहां ने ट्राई तो किया पर उस वक्त एक आचार्य जी जी थे मैं वही कहानी सुनना चाह रहा था <laughs> कि वो जाते हैं वो काशी के एक बहुत प्रकांड पंडित हैं नारायण भट्ट के बाद उन्हीं की श्रेणी आती है जो सबसे महत्वपूर्ण विद्यानिधि आचार्य कविन्द्र सरस्वती बिल्कुल बिल्कुल तो वो जाके आगरा तक जाके बादशाह के दरबार में दुहाई देते हैं कि किस तरह आप जो ऑप्रेसिव टैक्स लगा रहे हैं सारे तीर्थयात्रियों को वहाँ जाने के लिए इससे हिंदुओं को बहुत पीड़ा हो रही है और वो जिस भाव से अपना अपनी बात रखते हैं जो आई आई विटनेस अकाउंट्स कहते हैं कि सारे जो कोर्टियर्स हैं उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं और जो पर्शियन कोर्टियर्स हैं वो भी मुग़ल बादशाह को बोलते हैं कि आप इस कर्ज इस टैक्स को माफ़ कर दीजिए तो कविंद्र सरस्वती वाराणसी आते हैं टू दारा हीरो का भी महत्वपूर्ण रोल रहा होगा वो उन, उनके सहयोगी थे तो दारा शिको के सहयोग से ही वो आगरा जाके उनके पिता के सामने दुहाई देते हैं पर ये सारी चीज़ें टेम्पररी थी और 1669 में मासरी आलमगिरी में स्टूडेंटी 16, 16, पहले तो आ, मंदिर को तोड़ा गया 59 में 59 में 16, में एक ऐसा एक उल्लेख है कि पहली बार औरंगजेब ने कोशिश की थी कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जाए तब वहाँ के महानिर्वाणी अखाड़ा के जो नागा साधूस थे उन्होंने इसका पूरा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री तो नहीं है सिर्फ एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इसीलिए आपने लिखा देर आर अनवेरीफाइड क्लेम्स टू डिमोलिश द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन एंडा साधु द महानिड़ा एक ही मिला इसलिए आपने हाँ, और वो, अख... वो भी बहुत लेटर डेज का लेटर डेज और अखाड़ा का सोर्स है उसमें ज्यादा पुश्ती उसमें नहीं मिलती अन्य जो कंटेप्रेरी रिकॉर्ड ऑब्वियस है कि अगर ऐसा हुआ भी हो तो मुगल कोर्टियज़ उसको आ, दर्ज नहीं करेंगे कि उनकी सेना को नागा साधुओं ने ध्वस्त कर दिया पर शायद वो औरंगज़ेब के मन में चल रहा था कि इसको इसको आ, इसको भी तोड़ तोड़ देना चाहिए और इसलिए 1669 में उन्होंने फरमान निकाला उसने कि सारे जो दुष्ट ब्राह्मणों के जो क्षेत्र हैं ना केवल मंदिर पर जो वेद पाठशालाएं हैं जो गुरुकुल हैं उन सबको तोड़ दिया जाए था में मुल्तान में और बनारस बनारस में हाँ 1669 अप्रैल में ये जारी होता है और सितंबर तक वाराणसी से मैसेज वापस उनको जाता है कि आपके आदेश अनुसार सारे मंदिर इंक्लूडिंग बिश्नाथ का मंदिर पूरे तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और इन्हीं ध्वस्त जो हुई चीज़ें उनको बाद में देख के और फिर जेम्स प्रिंसेप वो बनाते हैं मैं थोड़ा तो ये समझना चाहता हूँ कि देखिए एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ सौरभ जी कि औरंगज़ेब तब अपने अधिकार के पीक में थे अगर वो चाहते तो पूरे मंदिर को ध्वस्त करके उसमें एक भव्य मस्जिद खड़ा कर सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया वो सिर्फ़ वो मंदिर के शिखरों को तोड़ के उस पर वो तीन गुंबद उन्होंने डलवा दिए या उसके जो सबॉर्डिनेट्स थे ब, बनारस में उसने उन्होंने डलवाए इसका क्या कारण था कि रोज़ काशी के हिंदू हों या पूरे देश के जो हिंदू हों जो वहाँ जाते हैं उनको देख देख के ये एक डिफीटेड oh, पराजित भाव है ह्यूमिलिएशन हाँ, हो इंसल्ट की भावना हो कि हमारा सबसे जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है सबसे प्रमुख जो मंदिर है उसके अवशेष ऐसे ही खड़े हैं और जो आज तक खड़े हैं और चंद्रभान उस पर बड़ा दिलचस्प जवाब देता है खुद औरंगजेब को बिल्कुल कि आपका खुदा जो है हम पहले हमार, हमारा देव परास्त हो के उसके ऊपर ही वो उसको आना पड़ा ओ शेख सी दंडरस ग्रेटनेस ऑफ माय टेंपल इन दैट इट बिकेम द हाउस ऑफ योर गॉड ओनली आफ्टर इट्स डाउनफॉल ये औरंगजेब के बाद का जो आ, अगर मैं कहूँ एक मराठा काल था उसमें कई तरह की कोशिशें हुई एक तो आ, देवी अहिल्या के समय जिस तरह से निर्माण हुआ और जो आपने राइटली पॉइंट किया है कि बाक़ी सब जगह हम देखते हैं कि केंद्र में गर्भगृह होता है और उसके इर्द गिर्द मंदिर होते हैं पर काशी विश्वनाथ में ऐसा नहीं है पहले में ही है उसके इर्द गिर्द फिर निर्माण हुआ रंजीत सिंह के समय किस तरह से उसे स्वर्ण मंडित किया गया जो हमें आज दिखता है वो भी है और यह भी बड़ा दिलचस्प है कि एक ऐसे दौर में जब एक वर्सेस का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है सिखिज्म वर्सेस हिंदुज्म तब ये बहुत दिलचस्प है देखना तीसरा नाना फडनविस के समय चाहे वो वॉरेन हेस्टिंग से बात कर रहे हों या कॉर्न से कॉर्न से बात कर रहे हों उसके पहले लगातार पेशवाओं की जो अवध के नवाबों से बात हो रही तो बनारस हमेशा नेगोशिएशन में एक है इसका अधिकार यही है कि ये लोक कथाएं हैं कि जब काशी विश्वनाथ ध्वस्त हुआ तब छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा थे और बोला जाता है कि उनकी माँ जीजाबाई को इतना गुस्सा आया इससे और उन्होंने अपने बेटे को बोला था कि अगर आप इफ़ यू आर मैन इनफ आपके जीवन का ध्येय यही होना चाहिए कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर को पुनर्स्थापित कर पाएँ तो इसीलिए पूरे मराठा साम्राज्य का जो ऑलमोस्ट uh, पॉलिसी स्टेटमेंट जो था ये काशी के साथ अन्य जो आ, सेक्रेड तीर्थ क्षेत्र थे उन सबको किस तरह हिंदू जो पद पादशाही था मराठा साम्राज्य उसमें उसको लेके वापस आना तो इसीलिए इस किताब में मैंने बाजीराव पेशवा का हो या नाना साहेब पेशवा का हो उनके लेटर्स भी उदृत माधवराव मरते भी हैं तो अपनी वसीयत में लिखते हैं कि भाई बनारस की इन इन चीज़ों की चिंता की जाए ये मेरे सारे जो सक्सेसर्स हैं उनकी जवाबदारी है जिम्मेदारी है कि आप काशी को लिबरेट करें एक 26 साल का युवक जो मर जाता है ट्यूबर से उस दौर में भी उनके जहन में उनके मन में काशी का महत्व इतना ज़्यादा था और वो जैसा आपने बोला अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे टीपू सुल्तान के खिलाफ जब नाना फडनविस कॉर्नवालिस के साथ एक गठबंधन करते हैं तब भी एक नेगोशिएशन पॉइंट यही मैसूर है हाँ, मैसूर वॉर में हाँ एंग्लो मैसूर वॉर में कि आप काशी हमें लौटा दो पर कॉन वॉलिस डजेंट अग्री पर उससे पहले मल्हर राव होल कर एक पूरी सेना लेके जाते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ दिया जाए पर काशी के ब्राह्मण खुद उस पर दबाव डालते हैं कि आप मत तोड़िए क्योंकि आप तो तोड़ के चले जाएंगे पर यहाँ अवध के नवाबों का इतना दबदबा है हमें वो बाद में बख्शेंगे नहीं ब्राह्मण हाँ बिल्कुल सारे जो दक्षिण गुजरात महाराष्ट्र और कर्नाटक तेलंगाना और तमिलनाडु के तो तो ये उसकी वजह से वो छोड़ देते हैं पर 1755 में एक और अटैक होता है विश्वनाथ मंदिर पे जो एक वहाँ का लोकल काज़ी है वो जाके उसको ध्वस्त कर देता है और उससे इतना वहाँ तो द हिंदूज ऑफ काशी आर सो तो अपसेट बाय इट और पेशवा का गुरु जो है नारायण दीक्षित पाटनकर वो आमरण अनशन पे भी उतर जाते हैं और पेशवा को खुद जाके उनको 22 सितंबर 1755 सौ हाँ तो उसमें वो बोलते हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए और पूरे सारे जो हिंदू शॉपकीपर्स थे उन्होंने अपना शॉप सब बंद कर दिए थे और पूरा नगर जो था ठप हो गया था इसके विरोध में तो इसके बाद अहिल्याबाई होलकर के ज़माने में शायद और उससे पहले एक छोटा सा श्राइन और ऐसे वक्त में जब औरंगजेब ज़िंदा था और उसने काशी का नाम भी बदल के मोहम्मदाबाद या इस्लामाबाद या ऐसा कुछ कर दिया था जो सिर्फ़ ऑफिशियल रिकॉर्ड में था लोगों के प्रचार में वो आया ही नहीं काशी बनारस वाराणसी वो वही रहा पर उस जमाने में भी रेवा के महाराजा हों या उदयपुर के राणा हों या जयपुर के राजा हों वो सारे जाके छुप छुप के जाके वहाँ वो छोटे से जो मंदिर बना था ज्ञानवापी मस्जिद के बिल्कुल सटीक वहाँ जाके पूजा करते ही आ रहे थे तो उसी मंदिर में मंदिर का बड़ा एक शिखर वगैरह जो था जो है वो अहिल्याबाई होलकर ने स्थापित किया 1780 के अस्सी अहिल्याबाई हैड ए स्मॉल के बता रहा हूँ ज्ञान आपसे बहुत कमजोर हूँ अरे भाई साहब इतनी सारी तारीखें हैं वो तो मेरे सामने किताब खुली इसलिए बता पा रहा हूँ दो चीज़ें बता दीजिए ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण और उस निर्माण में जो अभी तक एक कोर्ट बैटल चल रही है आ, आपने बहुत सारी तस्वीरें दी हैं अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं उस समय के एविडेंस क्या हैं फिफ्टी 16 सिक्सटीन सेंचुरी के सेवनटीन सेंचुरी के और आ, जब देवी अहिल्या ने जो अभी हम काशी विश्वनाथ मंदिर देखते हैं वो बनवाया तो उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी ये दो चीज़ें तो सौरभ जी जो हाथ कंगन को आरसी किया यहाँ पे अयोध्या में अलग मामला था वहाँ तो कुछ एविडेंस था ही नहीं पूरा मंदिर तोड़ तोड़ दिया गया था यहाँ पे तो अवशेष ऐसे खड़े हैं जो भी गेट नंबर फोर आज भी जाता है पहले मस्जिद का ही दर्शन होके वो काशी विश्वनाथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ वो खंडहर जो है वेस्टर्न वॉल्स के रूइंस दिखते हैं और उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बिना भी कोई भी नेकेड आई कैन टेल यू दैट इट इज़ अ हिंदू स्ट्रक्चर पर जो एएसआई सर्वे हो या एडवोकेट कमिश्नर सर्वे जो हुआ उन दोनों से यही आया और लगभग 800 पन्नों का जो ए रिपोर्ट है उसमें लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है जी ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रेडार और डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और हैंड हेल्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इन सब के uh, सब का uh, सहयोग से विस्तृत तौर से जो सबस्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो तथाकथित जो मस्जिद के नीचे मूर्तियाँ मूर्तियां हैं जो खंडित मूर्तियाँ हैं, हैं।, हैं।, हैं और श्रृंगार गौरी की पूजा वहाँ बिना रोक टोक तो के 1993 तक चलता ही आ रहा था जो खंडहर में श्रृंगार गौरी माँ की पूजा थी तो ये सारी चीज़ें और इतने सारे शिलालेख जो मिले इंस्क्रिप्शंस बारहवीं शताब्दी से लेकर सत्रहवीं शताब्दी तक और ये सिर्फ नागरी और संस्कृत में नहीं तमिल तेलुगू और कन्नड़ा में भी मिले हैं तो जिससे वही चीज़ रेखांकित होती है जो मैंने पहले बताया कि, कि किस तरह पूरा देश नारायण भट्ट का मंदिर था उसको ध्वस्त करके उसी मलबे से उसी के ऊपर उस मस्जिद का निर्माण कर दिया गया हाँ बिल्कुल और वो जो शिलालेख मिले हैं वो उससे भी पहले नारायण भट्ट से पहले वाले काल का भी है उनके समकालीन भी है और उनके बाद वाले भी हैं एक यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक मेमोरेंडम एक प्रतिवेदन सरकार को सबमिट किया गया था उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ के बताना चाहता हूँ इसमें लिखा है कि ये बहुत श्रद्धा के साथ पत्थर के बने एक फवारे का जो मस्जिद के कंपाउंड में है उसकी पूजा करते हैं यहाँ पे शेख होतिम अली का घर भी है अब आप सोचेंगे कि यह तो बड़ी हाल की बात है ये प्रतिवेदन दिया गया था 25 नवंबर 1809 को यह मीर तोराब अली ने दिया था और यह प्रतिवेदन क्यों दिया गया था और उसके पहले रतन सिंह ने भी एक प्रतिवेदन दिया था अब हम चलते हैं बनारस में हुए सबसे विभत्स सबसे भीषण सबसे खूरेजी दंगों की तरफ जो हुए थे 1809 और 1810 में लाट भैरव के दंगे बताइए तो लाट भय भैरव राइट्स नाम से ही कॉलोनियल जो दस्तावेज़ हैं उसमें इसका जिक्र है गेजटियर में और आ, सारे कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में तो आ, मंदिर के कुछ दूर एक जो कपाल मोचन आ, एक टैंक है जहाँ माना जाता है कि शिव जी जब ब्रह्म का पांचवा सर ले कर वहाँ आ रहे थे तो उसी में उनका सर जो था गिरा और इसीलिए उसका कपाल मोचन आ, आ, टैंक उसको बोलते हैं और उसके बिल्कुल बगल में लाट भैरव का एक बड़ा स्तंभ है जो अष्ट भैरव का प्रतीक है तो उसको ध्वस्त करने की पहले वहाँ आस पास में जो जुलाहे आ, स, आ, समुदाय के मुसलमान रहते हैं उन्होंने कोशिश किया और उसका बहुत ही ज़्यादा प्रतिशोध आ, काशी के हिंदुओं ने किया खासकर जो राजपूत थे गोसाई समाज के थे उन सारे लोगों ने ब्राह्मण तो जाके सारे आ, गंगा के तट पे अनशन वगैरह पे बैठ गए थे पर ये राजपूत रतन सिंह जिनका आपने हवाला दिया वो राजपूतों का आ, सरदार थे तो उन्होंने आ, बोला कि हमें चुप नहीं बैठना चाहिए हमें भी प्रतिशोध लेना है तो एक बड़ा सा एक मॉब आ गया काशी विश्वनाथ मंदिर को ही तोड़ने के लिए और उस वक्त पूरा जो राजपूत एक सेना बना के के दोस्त दोस्त मोहम्मद मोहम्मद नेतृत्व नेतृत्व में एक वहां से एक बड़ी सेना आ रही है यहाँ से हिंदुओं की सेना और उनमें लड़ाई झगड़ा होता है और मु, मुसलमान साइड दोस्त मोहम्मद को पीछे हटना पीछे पड़ता है ह, ह, हटा के और फिर वो आ, पूरा पूरे रात निगरानी होती है आ, काशी विश्वनाथ मंदिर की और जब सारे हिंदू विश्वनाथ मंदिर की प्रतिरक्षा कर रहे हैं तब दोस्त मोहम्मद और उसके आ, सहयोगी जाके लाट भैरव को तोड़ देते हैं वहाँ गौ गौ हत्या करके उसका खून सब जगह छींटा जाता है कपाल मोचन तीर्थ में उसको डाला जाता है और सारे जो ब्राह्मण परिवार हैं वो संतरस्त हो जाते हैं कि अब तो गंगा अपवित्र हो गई यहाँ तो अब आने का कोई महत्व ही नहीं है और काशी का महत्व भी चला गया तो ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे लोग आके उनको मनाते हैं कि हम इसका शुद्धिकरण करेंगे आप चिंता मत कीजिए आप अपना अनशन तोड़िए और उसके तुरंत बाद प्रतिशोध शुरू होता है पूरी रात काशी में उस उस रात कोई नहीं सोया था और अगले दिन ज्ञानवापी रतन सिंह के नेतृत्व में फिर हमला होता है काउंटर आप, काउंटर हमला होता है मस्जिद को आग लगा के पूरा पूरा इवैक्यूएट कर दिया जाता है वहाँ पे और बहुत सारे जुलाहे और... बस्ती में मारकाट हाँ है मारकाट बहुत सारे दोनों पक्ष से बहुत सारे लोग मर जाते हैं उसमें कुछ कुछ इमोशनल चीजें भी हैं एक मुस्लिम बालक मॉब के हाथों आ जाता है तो हिंदू ब्राह्मण जो पंडित है वो आके उसको बचाता है और उसकी प्रतिरक्षा करता है बाद में उसके परिवार जैसा जिक्र रॉबिन्सन ने आ, हाँ, वो गाय काटते हैं वो काटते तो, हैं वो उधर हमला करते हैं वो इधर तो बहुत करते मार काट और बहुत सारे मस्जिद भी तोड़े जाते हैं यहाँ लाट भैरव ध्वस्त होते हैं तो ये सारे तो लाट भैरव की वो अवशेषों को वापस वहाँ सरकार ब्रिटिश सरकार उसको पुनर्स्थापित करता है और उस समय जो कलेक्टर थे वाराणसी के वाटसन वो एक बहुत अच्छा एक ये देते हैं सुझाव कि ये पूरी जगह जो है हिंदुओं के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है तो परंतु मुसलमानों के लिए इसका इतना कोई बड़ा महत्व नहीं है ये तो हाल ही में इसमें नमाज अदा करते थे और नमाज तो कहीं भी अदा किया जा सकता है तो इसलिए इस पूरे क्षेत्र से उनको निकाल देना चाहिए और सौहार्दता के नज़र से इसको पूरी तरह से हिंदुओं के पक्ष में सौंप देना चाहिए ऐसा वाटसन का आ, मानना था पर एक और मिस्टर बर्ड Bird Bird सहमत नहीं बर्ड ने कुछ और आ, सुझाया कि नहीं नहीं हम इसको शेयर करेंगे और एक डिमार्केशन डाल देंगे कि अभी जो मस्जिद खड़ी है वहाँ पे वो क्षेत्र जो है मुसलमानों को देते हैं पर जो कॉम्पाउंड वॉल है उसके आ, चारों तरफ वो सरकार का प्रॉपर्टी है उसमें दोनों पक्षों को कोई आ, उस पर नहीं है और नमाज भी इनको उसके अंदर ही करने हैं मस्जिद के अंदर जो कंपाउंड पे स्पिल ओवर होता है उसको उस पर प्रतिबंध सरकार ने डाल दिया था उस दौरान और इसके बाद शुरू होता है अखाड़ा मुकदमेबाजी का एक के बाद एक और 1857 के बाद जब अवध ब्रिटिश आ, क्राउन के अंडर आया तो तब ब्रिटिश कोर्ट्स वहां पे स्थापित हुए तो कोर्ट्स में हर चोटी पर चोटी ब्रिटिश चीज़... कोर्ट तो सिंह और इन सब के जमाने में ही शुरू तो हो ही गए थे मजिस्ट्रेट बिठा दिए थे थे हाँ बिल्कुल वो तो थे, पर आ, कोर्ट्स में सारे जो और व्यवस्थित हो गए और कलेक्टर का जुरिस्डिक्शन आया तो हर छोटी मोटी चीज को हिंदू मुस्लिम पक्ष पीपल कटेगा कि नहीं कटेगा ये पत्ता हमारा है वो शौचालय वहां मत बनाओ ये मकान आ, का जो भाड़ा है वो हमारे परिवार को देना है तो इस पर चलते ही रहे पूरे उन्नीसवीं शत, शताब्दी और बीसवीं शताब्दी के शुरुआत आ, में भी और 1936 तक इसका वही चलता रहा और 1936 में एक बहुत ही लैंडमार्क एक फिर से एक कॉन्टेस्टेशन हुआ जो दीन मोहम्मद वर्सेस द स्टेट तो ये गौरतलब ये बात है कि ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव सूट है इसमें हिंदुओं को उसका पक्ष नहीं बनाया गया तो इसका जो फाइंडिंग्स है वो हिंदू साइड पे बाइंडिंग नहीं था क्योंकि उनका पक्ष लिया ही नहीं गया तो दीन मोहम्मद और अंजुम इंतज़ामिया मस्जिद वाले लोग ब्रिटिश सरकार नॉट इवन अंजुम तो दीन मोहम्मद ने अंजुमन इंतज़ामिया को भी घसीट लिया था केस में अंजुमन के खिलाफ भी ये केस दर्ज था ये सामान्य मुसलमान थे हनाफी सेक्ट के जो मुसलमान थे वो थे तीन चार लोग उसमें मिल के पैंतीस छत्तीस वर्ष के आयु के तो उन्होंने कहा कि ये पूरा कंपाउंड में जो अलविदा नमाज होता है रमज़ान के आखिरी जुम्मे पे तो उसमें हमें नमाज अदा करने के लिए सरकार रोक रही है और ये हमारे धर्म के खिलाफ है और इसीलिए हमको हम पे अत्याचार हो रहा है ब्रिटिश सरकार की तरफ से और ये बात कह के उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कोर्ट में घसी क्योंकि उन उन्नीस में हुआ था कि वो नमाज अदा करनी है बाहर चबूतरे पे बैठ गए फिर पुलिस आ गई कि चबूतरे के लिए तो मनाई थी वो सब चीज़ें थी बिल्कुल बिल्कुल हाँ दीपक सौरभ ने जहाँ से बात उन्नीस की उस पिटिशन से बात शुरू की थी मैं वहीं से थोड़ा उस बात को आगे लेकर जा रहा हूँ जैसे आपकी किताब में तीन चैप्टर आते हैं आप इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले क्या हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ और फिर बाद में जो अभी लीगल केस इंटेंसिफाई हुआ है जो उसकी प्रायजिकता बड़ी है आप उस पर बात जी तो 1936 का केस हुआ बाद में उसको नगाड़ दिया गया और उसके बाद फिर अभी जो लेटेस्ट हुआ है इसमें यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब सर्वे आप कर सकते हैं फिर एक एएसआई के सर्वे की बात हुई उसको स्टे लगा दिया गया फिर एक लीगल कमिश्नर की बात हुई साहब की उसको दीजिए तो ये सब बहुत थोड़ा सा क्लटर्ड है आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए जो भी लीगल पिटिशंस लगी हैं बाबरी काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी पर जो भी लीगल पिटिशन है उसके एक बार एक क्रोनोलॉजिकल ढंग से पूरा प्लेंटिव किसे कहते हैं क्योंकि मेरा आठवीं क्लास का कोई दोस्त अगर होगा तो उसे थोड़ा मुश्किल होगी बिल्कुल वहाँ से एक क्रोनोलॉजिकली हमें समझा दीजिए मैं उन्नीस से ही शुरू करूँगा कि दीन मोहम्मद का जो केस जो सौरभ जी से बात हो रही थी कि क्यों वो शुरू हुआ वो कॉमन मुस्लिम्स थे वाराणसी के और उन्होंने अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी जो मस्जिद को चला रहे थे उनको भी घसीटा था अदालत में कि आपके वजह से भी हमारा जो जो धार्मिक ड्यूटीज़ हैं उसमें बाधा बाधा आ रही है तो इसीलिए हिंदुओं पे वो केस था ही नहीं वो बिटवीन द कॉमन मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर अवरोधक बन रही है तो उस पर भी ये केस चलाया गया उसमें जो गौरतलब बातें हैं दो तो इट वॉज़ अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव सूट वो ये है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो जवाब आता है उसमें वो आप आ, के दर्शक दे, उनको देखना चाहिए कि उसमें सरकार तब की सरकार कहती है कि ये मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी है ही नहीं क्योंकि वक्फ़ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो वाकिफ होता है जो डोनर होता है वो अपना जो जो जायदाद है जो प्रॉपर्टी है उसको अल्लाह के नाम पे पपेचुटी में उसका दान कर देता है तो जो मेरा प्रॉपर्टी है ही नहीं उसको मैं किसी और को दान कैसे करूँ है ना तो जो मेरा है वो उसी को मैं किसी और को दान में दे सकता हूँ तो इसमें ब्रिटिश सरकार वही कहती है कि इसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं है कि औरंगज़ेब ने तो इस मंदिर को तोड़ तो डाला था पर उसके जगह पे एक मस्जिद खड़ा करना है इसके कोई फरमान नहीं है और आ, हम कह सकते हैं कि राजा का पूरा जो है पूरा देश उसी का है तो इसलिए ये भूमि भी उसका है पर कोई आदेश या फरमान नहीं है मस्जिद के निर्माण पे और उसी केस में ये भी आता है जो ब्रिटिश जज है वो देखते हैं और इस्लामिक लॉज का हवाला देके वो कहते हैं कि इस्लामिक लॉ में भी ये है कि किसी दूसरे के जायदाद पे किसी दूसरे के घर पे या किसी दूसरे के धर्म स्थान पे उनके परमिशन के बिना वहाँ जाके नमाज पढ़ना हराम है तो वो कबूल ही नहीं होगा तो उस नज़रिए से भी अगर हम देखें तो मस्जिद जो है वो इलीगल illegal... स्टाफ उसको रिलीजियस अप्रूवल नहीं है रिलीजियस अप्रूवल नहीं है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं है तो लीगल एंड रिलीजियस दोनों तरीके से अगर हम देखें तो द ज्ञान सो कॉल्ड ज्ञान वापी मॉस्क पहले तो नाम ही अटपटा है जो नाम संस्कृत से आता है ज्ञान वापी ज्ञान का कुआं वापी का मतलब है कुआं संस्कृत में जो वहाँ पे शिवजी ने ख खुद कुआं बनाया था जिसका जिसमें वो खुद अवतरित हुए थे एक लिक्विफाइड फॉर्म में ज्ञान स्वरूप में तो ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो ब्रिटिश काल से उन्होंने कहा था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है और इस इसमें अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ आल्सो इट इज़ इलीगल और उस केस में जो आते हैं सारे जो विटनेसेस आते हैं दोनों पक्षों से मुसलमान पक्ष से और हिंदू पक्ष जो सरकार की तरफ से वो बुलाते हैं और कुछ इतिहासकार भी आते हैं डॉक्टर ए एस आल्टेकर और डॉक्टर परमार्थ शरण तो ये सारे लोग जो बताते हैं कि बहुत सारे पीढ़ियों से कंटिन्यूस वर्शिप उस परिवेश में चल रहा है जो पंचक्रोशी यात्रा जो काशी खंड में उसका ज़िक्र है कि रोज़ एक डिवाउट हिंदू को गंगा में स्नान करना है और एक एक क्रम से पूजा वहाँ पे करना है तारकेश्वर फिर चंद्रेश्वर पद्मेश्वर गौरी शंकर नंदी जी और फिर व्यास जी का जो तहखाना अभी हाल ही में खुला उस सब में एक पूजा परिक्रमा करके उनका दिन शुरुआत होता है और फिर विश्वेश्वर का पूजा होता है वो पंचक्रोशी यात्रा वहाँ कहलाता है तो ये अनवरत चलता ही रहा जब ज्ञान व्यापी मस्जिद औरंगज़ेब ने बना भी दिया तो मस्जिद के तहखाने में पूजा हो रही है मस्जिद के प्राकार में जो खंडहर है उसमें माँ श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है तो एक तो ये कैसा मस्जिद है जहाँ जिसके तहखाने में जिसके दीवार पे बुत परस्ती हो रही है बुत की पूजा हो रही है तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से वो भी एक्चुअली इलीगल स्ट्रक्चर ही है तो ये सारी चीज़ें इसमें द, uh, दर्ज होता है ये दीन मोहम्मद केस में और uh, मुस्लिम पक्ष उसमें हार जाता है दीन मोहम्मद और वो उसको अपील में भी ले जाते हैं नाइनटीन uh, फोटी में अलाहाबाद हाई कोर्ट और अलाहाबाद कोर्ट भी इसको खारिज कर देता है डिसमिस कर देता है विथ कॉस्ट टू दिन फोटी टू में उसके बाद स्वतंत्रता के बाद ये तो ठप हो ही गया किसी ने बॉर्डर नहीं किया ज़्यादा उन नाइनटीन में तब तक ये काशी विश्वनाथ बोर्ड एक बन गया था और विश्वनाथ जी को एक लीगल स्टेटस मिल गया हमारे सारे जो हिंदू देवी देवता हैं वो दे आर कंसिडर्ड एज़ ए लीगल एंटिटी हाँ जैसे रामलला का भी केस आ, हुआ, हुआ राम रामलला विराजमान तो उनके नाम से अदालत में केस दर्ज होते हैं और हमेशा ये माना जाता है कि डेटी इज़ द माइनर और नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द डेटी वो लॉयर हैं जो डेटी के नाम पे वो अदालत में केस लड़ रहे हैं तो 1991 में विश्वेश्वर आदि विश्वेश्वर के नाम पे ये केस विजय शंकर रस्तोगी जी जो लॉयर थे उन्होंने ये दाख, दाखिल किया कोर्ट में कि विश्वेश्वर बोल रहे हैं कि ये पूरा परिवेश जो है ये मेरा है इंक्लूडिंग द मॉस्क एरिया और ये मेरे भक्तों के लिए पूजा करने के लिए वापस मुझे चाहिए तो ये जो केस था वो अदालतों में ऑलमोस्ट 22 साल तक लटका रहा स्टे ऑर्डर स्टे ऑर्डर एक के बाद एक और इसका जो uh, अभी हियरिंग हुआ दिसंबर 2023 में ये 1991 वाला सूट uh, इस पर एक uh, अर्जेंट हियरिंग हुआ और अलाहाबाद कोर्ट ने ये uh, हियरिंग दिया कि छः महीने के अंदर इसका फास्ट ट्रैक निपटारा हो ही जाना चाहिए सिविल कोर्ट ऑफ वाराणसी के हाथों तो मतलब जून 2024 तक वो 91 वाला सूट उसको सेटल करना है क्योंकि रिपोर्ट सबमिट हो गई है अठारह दिसंबर तक को हाँ और जब मैं लेटेस्ट अभी देख रहा था तो 24 जनवरी की खबर है कि वो दोनों अलग अलग, अलग पार्टीज़ को दे भी दी गई है वो जी, से जी, से जी 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 बिल्कुल तो इसमें एक्चुअली दीपक जी देर आर टू केसेस तो एक है नाइन्टी वाला केस जो आदि विश्वेश्वर के नाम से चल रहा है जो लटक पटक के अभी थोड़ा उसमें गति प्राप्त हुई है पर उससे अलग एक और केस जो बहुत और छोटे छोटे केस भी आए हैं उसमें पर एक और जो मेन केस है वो 2021 में पांच हिंदू महिलाओं ने वाराणसी के और फिर वो चार हो गई एक ने रिक्यूज़ कर लिया तो चार औरतों ने एक केस फाइल किया कि हम 1993 तक रोज जाके माँ श्रृंगार गौरी की पूजा करते थे और एक मुलायम सिंह यादव ने 1993 में उसमें बैरिकेडिंग करके पूजा को पूरी तरह से स्टॉप कर दिया और सिर्फ साल में एक बार वासंतिक नवरात्रि के चौथे दिन चौते पे पूजा की का परमिशन था तो बाकी 364 डेज वहाँ पूजा नहीं पर रोक डाल दिया गया तो उस उसको चैलेंज करते हुए ये औरतों ने मामला दर्ज किया जिसका रिप्रेजेंटेशन हरी शंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी कर रहे थे तो उसके चलते हुए जो विश्वेश्वर का केस तो अटक गया था पर श्रृंगार गौरी का केस थोड़ा गति प्राप्त उसको हुआ उसी के और बड़े मुस्कुराट में कहते भी हैं कि देखिए अब शिव के साथ जो है माँ 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 मा इसको अलाउ नहीं करेंगी शिव तो वैरागी हैं वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मंदिर दो या ना दो वो समाधि में बैठे हैं पर माँ गौरी को ये नहीं अच्छा लगता कि उनके पति का स्थान ऐसा लिया जाए तो इसलिए फटाफट ऐसे इन जेस्ट हरीशंकर जी मुझे बता रहे थे कि माँ गौ, गौरी के नाम से जो दर्ज हुआ केस वो जल्दी जल्दी उसमें गति प्राप्त हुई तो उसमें पहले वो एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे आ, का जो हुआ एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का क्या होता है फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द प्लेस कि वहाँ क्या है स्ट्रक्चर क्या क्या हमें देखना है वो सारी चीज़ें 2022 में हुई और उसी में उसी में द आई विटनेस अकाउंट्स और जो एडवोकेट कमिश्नर का भी जो रिपोर्ट है उसको मैंने उद्धृत किया है जिसमें बोला गया है कि कैसे जो अंजुमन इंतज़ामिया का पक्ष है जब पूरा जो ग्रुप जाता है दोनों तरफ के प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स प्लेंटिफ यहाँ हिंदू पक्ष था और डिफेंडेंट प्रतिपक्ष जो था वो मस्जिद कमेटी के तो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स उनके लॉयर्स सब जाते हैं तीन दिन या चार दिन का वो होता है उसमें भी बहुत सारे अवरोध आते हैं किसी को हटाना है एक नया एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट होता है बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज उसमें भी होते हैं बाद में जब वो जाके देखते हैं तो हिंदू पक्ष या जो जैन पिता पुत्र हैं वो बोलते हैं कि वहाँ पे वो वज़ू खाना उसको भी हमको उसका भी सर्वे करना है और मुस्लिम पक्ष उस पर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं कि आप थोड़ा अपने हैसियत में रहिए है, हर चीज़ को आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं आ, तो फिर अदालत का जो एडवोकेट कमिश्नर है वो बोलते हैं कि नहीं हमें पूरा जो कंपाउंड है उसका सर्वे करना अदालत का ऑर्डर है ये हमारा खुद का कोई ऑर्डर नहीं है और वो आ, आई विटनेस अकाउंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे वो जाते हैं बहुत अपोजिशन के बावजूद और मुस्लिम पक्ष ये भी कहता है कि इसमें मछलियाँ हैं ये सब मर जाएंगी अगर पानी निकाल दें और ये तो ये लोग बोलते हैं हम तो जैन हैं हम शाकाहारी हैं हमें मछलियों के प्रति बहुत सहानुभूति है तो कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके उनको जीवित रख के थोड़ा थोड़ा वो पानी का लेवल कम जैसे ही होता है वहाँ से जो शिव शिवलिंग नुमा आकार जो है जिसपे एक ड्रिल भी बनाया गया है उसके सर के ऊपर तो वो बाहर आने लगता है और जो माहौल है पूरा आहलादित सब लोग हो जाते हैं कि हर हर महादेव और महादेव मिल गए बाबा मिल गए ऐसे बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स भी उस दौरान अभी हाल ही में मे 2022 में आए थे तो उसके बाद आ, सुप्रीम कोर्ट ने वो वज़ू खाने को तो सील कर दिया कि उस पर वर्जित, वर्जित है और उस पर ऐसा सर्वे भी पूरे और परिवेश में हो सकता है वो वज़ू खाने पर और शिवलिंग स्ट्रक्चर जो मस्जिद कमेटी बोल रहा था कि ये तो फवारा है ये शिवलिंग तो था ही नहीं पर उसमें कोई फवारे का मेकनिज़म uh, था ही नहीं कि सक्शन पंप हो या uh, कैसे उस ज़माने में और एक वज़ू खाने में फवारे का कोई महत्व होता ही नहीं है वो वज़ू खाना एक ऐसा जगह है जो जाके पैर धोया जाता है कुल्ला किया जाता है तो उसमें फवारे की क्या ज़रूरत है वो भी एक uh, अन्य बात है तो उसके बाद uh, बहुत सारे अपील्स ये वो हर जगह पे सिविल कोर्ट हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो फिर हाई कोर्ट अलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह अवरोध के बावजूद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक विस्तृत सर्वे भी होता है जो जिसका रिपोर्ट अभी जनवरी 2024 में पब्लिक किया गया जिसमें 800 पन्ने से ज़्यादा पन्नों का रिपोर्ट है जिसमें विस्तृत तरीके से पूरा जो वजू खाना छोड़ के बाकी सारे जगह में जो मंदिर के अवशेष थे जो शिलालेख थे जो सब स्ट्रक्चर्स थे उन सब का डिटेल उससे मिल गया है इस लीगल कंटेस्टेशन में बार बार जिस एक्ट की बात आई वो है Places ऑफ Worship एक्ट 1991 यानी उपासना अधिनियम उन्नीस उपासना अधिनियम उन्नीस कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी वर्शिप का जो प्लेस था वो जिस पोजीशन में था वो वैसे ही रहेगा आपने इसको ड्रैकोनियल लॉ भी कहा है इस विचार के जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं उनके तर्क ये हैं कि साहब एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से उसमें अब इस तरह के हम धार्मिक वाद ना पैदा करें या ये इस बात से मैं सहमत हूँ और आपने गार्गी चक्रवर्ती या उन के एन पन्निकर का उदाहरण देते हुए कहा भी है कि अगर भारतीय सेकुलरवाद की इंडियन सेकुलरिज्म की बुनियाद में औरंगजेब के लिबरल क्रेडेंशियल्स की नींव का पत्थर है तो ये बहुत परेशानी भरा हो सकता है या इंडियन सेकुलरिज्म को फिर से अपने विचारों को या अपने आइकन्स के लिए रिविजिट करना चाहिए लेकिन सवाल ये है कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या इसमें इसकी क्या वो इसमें ऑब्शेक्शन पैदा करता है या क्या वो एक नए समाज की नए आइडिया की तरफ आपको इंगित करता है और आपका इसको ड्रेकोनियन कहने के पीछे का कारण क्या है तर्क क्या है देखिए ये जो एक्ट की बात आप कर रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो भी 1991 में ही बना 1947 में अगर हमारे फाउंडिंग फादर्स उनको ये लगता कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो तभी बन बन जाता राइट आफ्टर इंडिपेंडेंट और राम मंदिर तो तब चल भी रहा था हाँ राम मंदिर हाँ बिल्कुल वो भी तभी शुरू भी हो गया था सोमनाथ का पुनरुत्थान भी हो रहा था तो उसी वक्त चाहे तो ये एक्ट आ सकता था पर ये 1991 तब अयोध्या मामला चल रहा था और बाबरी मस्जिद जो ढांचा था वो भी गिर गया था तो उसके रिएक्शन में ये एक्ट आया तो उसमें भी वो कहा गया है कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेस हैज़ टू बी मेन्टेंड एज़ इट इज़ ऑन फिफ्टींथ ऑफ ऑगस्ट नाउ इन द केस ऑफ़ ये ज्ञान वापी Uh, जैसा मैंने बोला कि दोस्त दीन मोहम्मद वाले uh, केस में वॉट इज़ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ दिस एंटायर जगह एज ऑफ़ फिफ्टींथ ऑगस्ट वही कंटेस्टेशन में है क्योंकि ब्रिटिश सरकार उस वक्त ने पे ऑलरेडी उन्होंने जजमेंट uh, दे दिया था दो बार सिविल कोर्ट और फिर अलाहाबाद हाई कोर्ट कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है ये इस्लामिक लॉ के तहत भी इस ये इलीगल है तो रिलीजियस कैरेक्टर क्या है इसको जानने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी कि दस्तावेज़ ढूंढने होंगे कुछ सर्वे करने होंगे तो अभी तक जो हुआ है इट इज़ इन स्पाइट ऑफ दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि हम पहले ये जान लें कि आप जिसको आप बोल रहे हैं कि मेंटेन करना है रिलीजियस कैरेक्टर वो रिलीजियस कैरेक्टर है क्या अकॉर्डिंग टू दी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो वो करने के लिए अदालत ने इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो उन्होंने दे गेव द गो हैड कि फाइंड आउट द एविडेंस उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं व्हाट इज द रिलीजियस कैरेक्टर एंड उसमें भी अगर आप देखें कि देर आर नंबर ऑफ सब क्लासेज जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इट डजेंट अप्लाई इन सर्टन केसेज प्लेस विच आर आर्क्योलॉजिकली आर्क्योलॉजिकल साइट्स पर वो इम्पैक्ट uh, नहीं करते देर आर सब क्लासेज विद इन द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट टू विच आर एक्सेप्शन्स टू द लॉ और ये इतना पुरातन अगर जगह हम स्थापित कर लें तो द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑटोमेटिकली डजेंट अप्लाई देयर और अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता तो 1993 में जिस तरह वो एक्ट बनने के बाद जिस तरह मुलायम सिंह सरकार ने उसको बैरिकेड करके पूजा रोक दी थी दैट इट सेल्फ इज अ कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो अलग अलग बिंदुओं पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और इस इसलिए ये इस मामले में इट डजेंट इवन अप्लाई इन दिस केस एज़ फार एज आई एम नॉट अ लॉयर आई एम अ हिस्टोरियन तो जित जितना मुझे सामान्य ज्ञान से जो लॉ का इतिहास के परिवेश में जो मुझे समझ में आया और जो विष्णु जी और साई दीपक जी वगैरह से बात करके जो पता चला वो यही है कि दिस इज़ द पोजिशन लीगली तो अब लॉयर विल भी बेटर प्लेस टू गिव द एग्जैक्ट लीगल यू नो स्टैंड ऑफ दैट बट इवन फ्रॉम अ हिस्टोरियंस व्यू पॉइंट आई थिंक दिस इज़ द केस कि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इट सेल्फ इज़ अ वेरी कंटेस्टेड एक्ट ठीक आखिरी के दो सवाल हैं आपके आलोचक या इस पूरे मूवमेंट के आलोचक ये कहते हैं कि साहब कल तक अयोध्या की बात थी आज काशी की बात हो रही है मथुरा की बात गाहे बगाए आ ही जाती है तो अगर इस तरह से रिक्लेमेशन की हिस्ट्री रहेगी कि जो मूल था कि पहला मूल पर जाएं और फिर उस मूल के हिसाब से हम रिक्लेम करें आपने औरंगजेब की बात करी कई लोग उदाहरण देते हैं कि साहब अशोक की पुष्यमित्र सुंग की बात होती है और बौद्ध दान इस तरह से हटाई गई उन सब पर पूरी लंबी चर्चा हो सकती है जो आलोचक कर देते हैं तो उनका यह तर्क है कि क्या इससे समाज में हम जब इस तरह कंटेस्ट करते चले जाएंगे तो ये कहाँ जाके एंड होगा आज जैसे हमने बात करी अयोध्या है काशी है मथुरा है फिर अलग अलग हर चौक चौक, -चौक चौराहे पर मंदिर हैं बहुत सारे और ऐसे और फिर मान लीजिए दूसरे रिलीजन के भी हो सकते हैं मतलब अभी तो यहाँ सिर्फ एक पट और दो पर्टिकुलर रिलीजन की बात चल रही है ऐसे बहुत सारे सेक्ट की बात आ सकती है फिर फिर जातियों के अपने आइकन्स होंगे तो ये कहाँ जाकर रुकेगा जहाँ तक एविडेंसेस हाथ में आएंगे क्योंकि हमारे और जहाँ तक कंटिन्यूस पूजा होती आ रही है और जहाँ हमारे पूर्वजों ने उस जगह को छोड़ा नहीं काशी में यही है कि तोड़ते गए हम हमारे पूर्वज अगेंस्ट ऑल ऑर्ड्स उस पर मंदिर बनाते ही गए तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ हमारे पूर्वज ने ही गिवअप कर दिया था कि ये शायद पॉसिबल नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं तो ऐसे जगहों को फिर से रिवाइव करना शायद मुश्किल है तो पहले तो नंबर ही हमें पता नहीं है कि कितने मंदिर तोड़े गए अलग अलग नंबर आते रहते हैं सीताराम गोयल जी ने अपने काम जो सेमिनल वर्क है हिंदू टेम्पल्स एंड वॉट हैपन टू दैम उसमें शायद वन uh, या उस डॉक्यूमेंटेड uh, प्रूफ कि जो मंदिर हैं जिसके ऊपर आज मस्जिद खड़ी है उसका एक लिस्ट निकाला है कुछ लोग बीस हज़ार बोलते हैं चालीस हज़ार बोलते हैं हमें नंबर्स मिल सकते हैं जैसे इसमें हसन निज़ामी ने भी बोला कि हज़ार मंदिर काशी में तोड़े गए पर हमें नंबर पता है पर कौन से वो हज़ार मंदिर हैं वो मंदिर कहाँ पर थे ये किसी को उन्होंने जिक्र नहीं किया पूरा स्पेसिफिक इसकी ये हिस्ट्री थी इसने हाँ, तोड़ा इसने तोड़ा से प्रॉपर तो उसमें आई थिंक हिंदू पक्ष को भी बहुत अपना अपना काम अभी करना चाहिए कि एक लिस्ट बना ले और मैं इसके पक्ष बिल्कुल नहीं हूँ कि सिर्फ तीन हमें दे दो और हम बाकी को छोड़ देंगे क्योंकि ये दावा या ये प्रॉमिस पूरे हिंदू समाज के तरफ से करने का किसी को अधिकार नहीं है अब ये सारी तीन मंदिर बाई कोइंसिडेंस उत्तर प्रदेश में आते हैं आप अगर आंध्र प्रदेश में या केरल में या फिर अरुणाचल या असम में कोई ऐसा मंदिर हो जो हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के लोगों को पता नहीं तो वहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाओं का क्यों इम्पोर्टेंस नहीं देना है सिर्फ ये तीन क्यों तो कुछ और भी अगर हैं लोकल आ, उसका इम्पॉर्टेंस है तो एक प्रायोरिटी लिस्ट पहले तो बन बनाना चाहिए एक तो लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ़ प्लेसेस एंड विच आर इम्पॉर्टेंट जिसमें कंटिन्यूस वर्शिप होता आ रहा है और जिसको वापस लेने के लिए हमारे पूर्वज अथक प्रयास और सतत परिश्रम करते रहे तो ऐसा एक प्रायोरिटी लिस्ट जिसका नंबर मुझे आज पता नहीं है वो तीन हो सकता है चालीस हो सकता है पचास हो सकता है सौ दो सौ पाँच सौ जो भी है अब बौद्ध स्तूपा वगैरह आपने बोला उसका भी अगर किसी के पास एविडेंस है एक्चुअल हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स हो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो वो सब लेके आए उसके बाद में उस पर भी चर्चा होनी चाहिए एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट विद द पास्ट ये मुझे लगता है ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन जो है भारतीय इतिहास जो अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका में उबुन यू हील द पास्ट और देखिए कोई भी लोकतांत्रिक देश में ये इट्स अ पार्ट ऑफ द यू नो रेट्रीब्यूशन एंड जस्टिस कि आपका आपके पूर्वजों का घर किसी ने छीन लिया है और आज आपको उसको शांतिपूर्वक ढंग से या न्यायिक प्रक्रिया से भी अगर उसको वापस लेने का अब का अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दे दिया जाता और बार कर दिया जाता है कि आप उसको वापस नहीं ले सकते तो ये कैसा लोकतंत्र है और कैसा जस्टिस सिस्टम है तो कोई हिंसा के uh, करके उसको वापस नहीं ले रहा है शांतिपूर्वक ढंग से और विद इन द कॉन्टोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज़ पीपल आर ट्राइंग टू रिक्लेम वॉट इज जस्टली बिलोंग टू देम वो भी आप नहीं कर सकते इस पर किसी पर प्रतिरोधक डालना मुझे लगता है नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस उसी के खिलाफ चलता है और जहाँ जहाँ एविडेंस है लेट ऑल ऑफ दैट कम टुगेदर वंस एंड फॉर ऑल लेट ऑल कम्युनिटीज सिट टुगेदर सिर्फ बोलने के लिए अच्छी बात है कि बौद्ध स्तूपाज भी थे क्या इस तरीके के एविडेंसेस हैं या कुछ लोग अभी भी हैं जो उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं आज भी काशी को मानने वाले लाखों की संख्या में लोग हैं क्या कोई स्तूपा को मानने वाले या किसी और क्षेत्र को मानने वाले लोग हैं अगर हैं तो लेके आए अपना एविडेंस सब लोग अपना एविडेंस लेके एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जैसा मैंने कहा हो जाए अपने इतिहास से लेटर्स मेक पीस विद द पास्ट और दिस पॉइंट रिकॉग्नाइज करिए हाँ डू दैट वी शुड नॉट बी लिविंग इन द पास्ट और इतिहासकार के रूप में मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अपने इतिहास में मत रहिए इंडिया इज पॉइज फॉर अ ब्राइट फ्यूचर तो उसमें हम अतीत के झगड़ों में ही अगर एक दूसरे के साथ करते रहें तो वी कांट मूव प्रोग्रेस टू द बेटर फ्यूचर तो लेट अस वंस एंड फॉर ऑल सेटलेट आई थिंक अयोध्या वर्डिक्ट और अयोध्या का जो मंदिर था इससे एक रास्ता खुल गया कि किस तरह से uh, इस मामले का uh, निपटारा किया जा सकता है फाइनली uh, क्या वॉट वॉज द वर्डिक्ट कि पूरा क्षेत्र जो था वो हिंदू पक्ष को दे दिया जाए और मुसलमान पक्ष को पाँच एकड़ का ज़मीन जहाँ वो मस्जिद बना सके मस्जिद जो हैं इस्लामिक राष्ट्रों में रूटीनली एक मस्जिद को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाता है रेलवे लाइन बिछाने के लिए या रास्ता वाइड करने के लिए क्योंकि मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उस तरह का कुछ चीज़ मस्जिद में है नहीं वो एक ऐसी जगह है जहां लोग आके सामूहिक तौर से अपना नमाज अदा करते हैं वो कहीं भी किया जा सकता है तो यहां नहीं इसी क्षेत्र में नहीं उससे थोड़ा हटके भी किया जा सकता है तो इसलिए दोनों समुदायों को एक गिव एंड टेक यू नो you know, सामाजिक सामरस्य और राष्ट्रीय एकता का आ, जो जिम्मा है वो सिर्फ एक समुदाय पे नहीं है वो सभी समुदायों को इस पर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करना है सिर्फ एक बड़ा भाई है ये ही जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा है हाँ बिल्कुल आ, वही त्याग करता रहेगा ऐसा नहीं चलेगा तो आपको भी थोड़ा गिव एंड टेक करना चाहिए दोनों पक्षों को एक रेजोल्यूशन और शांति प्रिय तरीके से इसका निपटारा कर लेना चाहिए सर मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी बस मैं आखिरी जनता का एक सवाल पूछ ले रहा हूँ आपसे मैं जानता हूँ वक्त की क्यों क्यों आपकी नौकरी चाहिए क्योंकि जनता के लोग है। आ, हैं इन्हीं इसकी वैसे हम लोग हैं रोहित ने एक सवाल पूछा है सोशल मीडिया पर कि आफ्टर आर एन इन्वेजन माइग्रेशन थ्योरी फेलियर द लेफ्टिस्ट क्रिएटेड न्यू आइडियोलॉजी दैट हिंदूज क्रिएटेड सनातन धर्म फ्रॉम बुद्धिज्म एंड स्टोलन टेम्पल्स फ्रॉम बुद्धिस्ट टेम्पल्स हाउ कैन वी डिमंक इट मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि साहब जो एक विचार चलता है कि बुद्ध मंदिर थे और उनको तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाए गए बात बात कि इसका क्या एविडेंस है एक दो ट्वीट लिख देना नहीं, या नहीं नहीं एक दो एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं पुष्यमित्र शुंग का हो मीराकुल हो या शशांक जो गौड़ वंश के थे बंगाल में कि देर आर एविडेंसेस कुछ उन्होंने ध्वस्त किए वो भी दे आर नॉट डेफिनेटिव आप कह रहे हैं वो भी कंटेस्टेड है वो भी कंटेस्टेड है क्योंकि सीताराम गोयल जी ने uh, जब uh, प्रोफेसर रोमिला थापर ने इस पर तीन शिलालेख उन्होंने प्रस्तुत किए थे उसमें से दो फर्जी निकले थे और तीसरे में भी बहुत सारा हाफ uh, इंफॉर्मेशन uh, था और सीताराम गोयल जी ने उनको पब्लिक डिबेट पर बुलाया था कि आप इसको प्रूव कीजिए कि सिर्फ कह देना और एक झूठ को सौ बार अगर कहो तो सच का ये ले लेता है तो वो बात ठीक नहीं है तो इसलिए आप एविडेंस के साथ व्हाट इज़ द स्क्रिप्चुरल एविडेंस व्हाट इज़ दी टेक्सचुअल लिटरेरी हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उसके बेसिस पे हम बात करेंगे आज तो नालंदा पे भी ये है कि वो तो ब्राह्मण भिक्षुओं ने उसको जलाया था जबकि बख्तियार खिलजी और उसके समकालीन जो क्रॉनिकलर्स हैं वो खुद उसके क्रॉनिकल्स में लिखते हैं आप डी एन झा के क्लेम की बात करें बिल्कुल हाँ, तो तो हर जगह पे ये वामपंथी इतिहासकारों का यही रहा है कि जो पैटर्न है कि किसी तरह जो इस्लामिक बिगट है उसको कवर फायर दिया जाए और सारा जो प्रॉब्लम है उसको स्पेशली ब्राह्मण प्रीस पे और ब्राह्मण समाज पे उस पर ढज दिया जाए तो ये चीज़ तो इस पर एविडेंस तो है ही नहीं इसलिए बुद्धिज्म का भी गोविंद चंद्रा का मैंने जिक्र किया वो काशी के सबसे प्रमुख और सबसे उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे उनके खुद की रानियां बौद्ध थी तो जो बौद्ध मत है वो किस लिए वो समाप्त हुआ वो इस्लामिक इट कुड नॉट सर्वाइव द एक्ट्स ऑफ इस्लाम ऐसा खुद अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर भी लिखते हैं विवेकानंद जी लिखते हैं तो बिकॉज डिपेंडेड ऑन अ मोनेस्टिक ऑर्डर हिंदू और सनातन धर्म में ऐसा था कि एक मठ नहीं एक पंथ नहीं अलग अलग विचारधारा एक को आप ख़त्म करो सौ और अभी भी जीवित ही रहेंगे पर बुद्धिज़म में वो ऐसा नहीं था वो बहुत ही एक मोनास्टिक ऑर्डर में था तो एक मोनेस्टिक को ख़त्म किया तो पूरी तरह से वो ख़त्म ही हो गया था तो इसके इस पर और अच्छा शोध होना चाहिए सिर्फ ऐसे ही फॉल्स इक्विवेलेंस बिठाने के लिए अच्छा आपने ये किया नहीं आपने भी वो ऐसा किया इसका कोई मायने नहीं है शिव के बहाने कितनी बात हुई हम इतिहास में दाखिल हुए तो हजारों वर्ष पीछे चले गए लेकिन बात तो वर्तमान की है बात ज्ञान की है ज्ञान के संधान की है और किताब वाला का मकसद भी यही है वेटिंग फॉर शिवा ये किताब आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए पढ़कर उससे पहले बताइए ये बातचीत कैसी लगी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी प्रकाशक मित्र इस बात की भरपूर चिंता करेंगे कि देश के दुनिया के नामचीन लेखकों की किताबें जल्द से जल्द हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हों। आप इन दिनों क्या किताब पढ़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आप लल्लन टॉप की किताबों की सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं पढ़ाकू विमान का हिस्सा बनना चाहते हैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं ताकि आप भी लल्लन टॉप पर नजर आएं और पूरी दुनिया को बताएं कि गुरु ये पढ़ना बड़ा जरूरी है तो हमको मेल करिए हमारा पता है किताब वाला एट लल्लन टॉप डॉट कॉम